जैसा आप जानते हैं कि मेरा टिकट कटा नहीं है, मेरा टिकट बेचा गया है। काटने में और बेचने में बहुत अंतर है। राकेश कालिया की गर्दन 14 करोड़ में बेची गई है। बीच में कांग्रेस पार्टी का एक शुक्ला नाम का नेता है जिसने ये बेचा है, और उसमें कांग्रेस पार्टी के कैशियर को भी बिठाया गया है, और कांग्रेस को कांग्रेस का टिकट नहीं बेचा गया, झंडा भी बेचा गया है। आज झंडा लगता है तो नीला झंडा जो YSP का उसके वो ऊपर लगता है, कांग्रेस का नीचे लगता है। इस शर्मिंदगी को ना बर्दाश्त करते हुए मैंने ऐसी पार्टी का तलंग भी दे दी। मुझे ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपने टिकट बेचा है। टिकट तो कटते हैं भी नेताओं के, कोई बात नहीं, एक जगह से कटेंगे ही और एडजस्ट हो गए। लेकिन जब ये पता चला कि हमारी पार्टी की नैतिकता इतनी गिर गई है कि एक अधिकारी, भ्रष्टतम अधिकारी, जो क्षेत्र का सबसे भ्रष्टतम अधिकारी, 50 करोड़ रुपया गत कर चुका है यहाँ पर अपने नलायक बेटे को विधायक बनाने के लिए, क्या लेगा वो मालिक। ये बात है कि वो जो लड़का है वो नशेड़ी है और उसे कुछ पता चलता नहीं है, जो लिख के देते हैं वो देता है। कल क्या बोल रहा था आपको सुनाता हूं। कल कह रहा था मेरे पिताजी की मेहरबानी से गगरेट का एक यूनिट भरतपुर चला गया। भाई शर्म करो, क्या कह रहे हो आपने यहाँ के 1000 व्यक्तियों के पेट पे लात मार दी, कह रहे मेरे पिताजी यहाँ से भरतपुर लेके, वीडियो है देख लो आप। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपका ये जो नुमाइंदा है राजेश बहुत सिंपल आदमी है। मैं सोचता था ये आदमी गड़बड़ वाला होगा, लेकिन जब बस के देखा है तो सीधा साधा जाट आदमी है। सीधी बात करो, सीधी बात करता है, सीधी सुनता है। आपका ताबेदार भी है, छोटे को भी नमस्ते करता है, बड़े को भी नमस्ते करता है, ना किसी मेरी तरह अधिकारी को भी डांटता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अवश्य आप जो है मौका दें, हम भी इनके साथ हो लिए हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकार भाजपा की यहाँ बन रही है। मैंने कल रात को सर्वे देखा, वैसे मैंने विश्वास नहीं करता, लेकिन न्यूज 18 और जी न्यूज के ऊपर एक सर्वे आया।